इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का ट्रेंड वाले टेक यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक के नए एप्लीकेशन के अंदर आप सभी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी FNO में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे एग्जिट मारते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिलेगी बिल्कुल आसान स्टेप के अंदर। बस पूरी वीडियो देखिएगा, ये बात इंश्योर करिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है, इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से नॉलेज लेकर के अपने रिस्क के ऊपर ही ट्रेडिंग करिएगा यहां पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपस्टॉक का नया एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लिया है और अपना अकाउंट बना के यहाँ पे सब कुछ सेटअप भी कर लिया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो शुरू होने से पहले और बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अपस्टॉक के अंदर FNO ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सेगमेंट एक्टिवेट करना होगा, FNO सेगमेंट एक्टिवेट करना होगा। FNO सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं इसके लिए वीडियो बना के रखा है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा आई बटन के अंदर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा FNO कैसे इनेबल करते हैं अपस्टॉक के अंदर, ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप लोग FNO के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर पाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो देखिए एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को भी दिखाई देगा। सबसे पहला आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा माय लिस्ट का। माय लिस्ट के ऊपर देखिए आप सभी लोग यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बस इसी पे टैप करिएगा और आप लोग जो है यहाँ पे अपना जो है वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे दो वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखा है, एक है निफ्टी के नाम से, दूसरा है बैंक निफ्टी के नाम से। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो यहाँ पे अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी लाता हूँ कि मैं निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी वाले वॉच लिस्ट में ही ऐड करूँ और बैंक निफ्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बैंक निफ्टी वाले वॉच लिस्ट में ही ऐड करूँ। तो दो वॉच लिस्ट मैंने बना के रखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों को देखना होता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं वो मुझे नहीं पता, आप लोग मैं बताता हूँ आप लोगों को मैं कैसे डिसाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है। निफ्टी चल रहा है अभी 37 पॉइंट ऊपर, जबकि बैंक निफ्टी चल रहा है यहाँ पे लगभग 54 पॉइंट नीचे, ठीक है। आप लोग यहाँ के ऊपर डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके, निफ्टी के ऊपर क्लिक करके इसकी पूरी समरी जान सकते हो और चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर की तरफ ही आपको चार्ट दिखाई देगा नए वाले एप्लीकेशन के अंदर, सेम आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो। ऑप्शन का डाटा भी देखना है आप लोगों को तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी देखिए मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट यहाँ पे खोला हुआ है और बैंक निफ्टी का ही हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। बैंक निफ्टी अभी लेटेस्ट ट्रेड कर रहा है 32,677 पे, तो मैं यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करके बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी और ऊपर जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैंक निफ्टी और उसके बाद स्पेस दे के लिख देता हूँ 33,000 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड इसके बाद जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल 20 स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया है। तो देखिए आज की जो तारीख है वो चल रही है 20 जून, और जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेट है वो है 23 जून को, यानी 23 जून का हमको देखिए यहाँ पे 33,000 का कॉल भी देखने को मिल गया और पुट भी देखने को मिल गया। सेम आप लोग देख सकते हैं इसके बाद 7 दिन बाद जो एक्सपायरी होने वाली है वो है 30 जून को। तो 30 जून का जो है 33,000 का कॉल का हमको यहाँ पे देखने को मिल गया प्राइस और पुट का भी देखने का प्राइस मिल गया। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सपायरी का भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 7-7 दिन बाद का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो हम देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लेटेस्ट जो एक्सपायरी होने वाली है उसी का यहाँ पे ऑप्शन ऐड करेंगे बैंक निफ्टी का 33,000 का। हमने बताया था आपको कि मैं कॉल ऐड करूँगा यहाँ पे 33,000 का। तो ये देख लीजिए 33,000 का जो कॉल है वो अभी ट्रेड कर रहा है 232 रुपये पे। तो ये जो स्टार दिया गया है बस इस स्टार पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा बैंक निफ्टी के। आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल ऑप्शन 230 रुपये का जो चल रहा था वो मेरे बैंक निफ्टी वाले लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हूँ, बस मुझे यहाँ पे इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसका समरी आ गया है, चार्ट आ गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ग्रीक देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डाटा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चेन के अंदर अगर आपको देखना आता हो तो।
तो नीचे की तरफ देख लीजिए, आप लोगों को बाई एंड सेल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, कम पैसा रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग ऑप्शन को बाई ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आप लोग ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाई करूँगा क्योंकि मैंने अपने अकाउंट के अंदर 6,000 रुपये ऐड किए थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐड यहाँ पे खरीद सकता हूँ। तो बाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको अब इसको बाई करना है बैंक निफ्टी के 33,000 के कॉल को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है, एक लॉट के अंदर 25 यहाँ पे शेयर होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके दो लॉट हो जाएगा प्लस पे क्लिक करता हूँ तो, लेकिन मुझे यहाँ पे बस एक लॉट ही ख़रीदना है तो 25 ही रहने देते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये डिलीवरी पे ही आप लोग रहने दीजिएगा इसको। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि जो प्राइस मार्केट का लेटेस्ट प्राइस चल रहा है उसी पे ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट के ऊपर ही रहने दीजिए। अगर आप लोग अपना प्राइस डालना चाहते हैं, यहाँ पे मॉडिफाइड प्राइस डालना चाहते हैं जो अपने मन का प्राइस है, तो आप लोग यहाँ पे लिमिट पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए प्राइस के अंदर अपना प्राइस डाल सकते हैं। अभी चल रहा है 227 रुपये, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 220 रुपये डाल सकता हूँ। जैसे ही 220 पे आएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए 220 रुपये पे मैं यहाँ पे इसको रिव्यू बाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे डिलीवरी का जो ऑर्डर है यहाँ पे आ गया है। टैक्स वगैरह आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितना टैक्स लग रहा है, कितना ब्रोकरेज लग रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो डोंट शो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, दोबारा ये शो नहीं होगा। और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं हम सभी लोग, और ऑर्डर जो है हमारा बाई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए ये ट्रेड्स के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही हमने बाई के ऊपर क्लिक किया, ट्रेड्स वाले ऑप्शन में हम आएंगे तो देखेंगे ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर, तो हमें हमारा दिखाई देगा हिस्ट्री में जो हमने कुछ किया था ट्रेडिंग वो हमको यहाँ दिखाई देगा। और जो ऑर्डर हमारा अभी ओपन है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हमारे प्राइस को मैच नहीं किया है, वो हमको ओपन पोजीशन में दिख जाएगा। जैसे कि मैंने 220 रुपये पे लगाया था लेकिन प्राइस अभी भाग के 234 रुपये चला गया है। जैसे ही 220 पे आएगा ये ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो अपना ऑर्डर यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, यानी 220 रुपये मैंने लगाए थे, अगर मैं प्राइस चाहूँ ऊपर चाहूँ बढ़ाना तो ऊपर बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, नीचे चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ यहाँ पे, और चाहूँ तो यहीं से क्लिक करके अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता हूँ। चलिए हम वेट करते हैं 220 का, जब ये आता है एग्जीक्यूट होता है तो आगे का प्राइस मैं बता आगे का आपको यहाँ पे मैं आप बताता हूँ कि कैसे इसके बाद बाई होने के बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। तब तक वीडियो पुश कर देते हैं। तो हमारा जो प्राइस था 220 का वो आ चुका है और हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी ये पोजीशन में जा चुका है, यानी जो भी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है वो पोजीशन के अंदर आ जाता है, या फिर जो ऑर्डर हम कंप्लीट कर देते हैं वो भी पोजीशन के अंदर आता है। एक ऑर्डर मैंने सुबह ही लगाया था वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है, वो देख सकते हैं 253 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अभी जो हमने ऑर्डर लगाया वो देखिए वो 228 पे जा चुका है, मैं 183 रुपये का अभी 200 रुपये का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। होल्डिंग का ऑप्शन भी बगल में आपको दिखाई देता है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। जब आप कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो तो वो होल्डिंग में रहता है, आप लोग को मतलब है फिर पोजीशन से और ऑर्डर से। तो देख लीजिए हमने पोजीशन जो बनाई थी उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाना आपको बताएंगे। देख लीजिए अभी मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ, हालांकि इसी पे मैं क्लिक करता हूँ और एग्जिट वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है, एग्जिट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए बगल में आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस लिमिट, तो स्टॉप लॉस लिमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे जो भी प्राइस हमको डालना है अपना प्राइस के अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने 220 पे खरीदा था और मैं 210 का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 210 लिख दूंगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो ट्रिगर प्राइस होता है नीचे की तरफ एक ट्रिगर प्राइस भी दिया रहता है, जब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रिगर प्राइस 1 रुपया ज़्यादा ही होना चाहिए, 2 रुपया जो भी आप लोग कुछ तो ज़्यादा होना चाहिए, जो प्राइस आप लोग डालते हैं उससे ट्रिगर प्राइस हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मैं इसको 211 रुपये लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे स्वाइप टू सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा ये ऑर्डर भी लग जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। यानी जैसे ही हमारा ऑर्डर जो है हमारा ऑर्डर गिरता है वैसे ही वो 210 रुपये पे अगर आता है तो वो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह से हम काफ़ी सेफ रहेंगे, हम ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे अपने ऑर्डर के ऊपर। तो इस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस लगा तो दिया हमने, अगर हमको एग्जिट करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं चलिए स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देता हूँ। एंड अब चलते हैं अपने ऑर्डर के ऊपर, यहाँ पे अपने पोजीशन के ऊपर। अभी देखिए हमको 5 पैसे का नुकसान हो रहा है, तो इसी पे मैं क्लिक करता हूँ और एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। एग्जिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे इसको मैं सेल कर सकता हूँ।
तो अभी 218 रुपये चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि 221 रुपये पे या 22 रुपये पे अगर आए तो मेरा ये सेल हो जाए। तो 222 रुपये का प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया, स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर दिया और जैसे ही 222 रुपये का प्राइस आएगा वैसे ही मेरा सेल हो जाएगा। देखिए ऑर्डर लग चुका है और जैसे ही 222 रुपये का प्राइस होता है वो सेल हो जाएगा और आ गया प्राइस और हमारा जो है ये सेल हो चुका है। तो लगभग 50 रुपये का प्रॉफिट हमको इस ट्रेड में हुआ, क्योंकि मुझे आप लोग को जल्दी जल्दी बताना था इसीलिए मैंने इसको जल्दी सेल कर दिया और इस तरह से हमको 50 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया। तो मैंने आपको बताया ऑर्डर कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी। इस तरह से आप सभी लोग अपस्टॉक के नए एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे भी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती रहेंगी चैनल पे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।